अजीत मेहता, अजीत मेहता, अजीत मेहता जिंदाबाद, अजीत मेहता जिंदाबाद, अजीत मेहता जिंदाबाद। मेरा नाम रवि साहू है, मैं टोंक क्षेत्र का ही हूँ। और पायलट साहब क्या विकास करेंगे, वो एक खुद पहले पीसीसी अध्यक्ष थे, बड़ा चेहरा था, फिर उनको उप मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया, उप मुख्यमंत्री से भी हटा के एक टोंक शहर के एमएलए रख दिए। और ये आने वाले समय वो एमएलए भी नहीं रहेंगे, उनकी पूरी राजनीति गहलोत साहब ने खत्म कर दी है। ये आप घंटा घर ये घड़ी देख ली, 5 साल पहले फुल चलती थी, आवाज आती थी सुबह 11 तक, पीछे तालाब हुए उन पर जाके देख ली कितनी गंदगी हो रही है। आज गली गली में घुमाने को मजबूर कर दिया पायलट साहब को, वो पूरे इतने बड़े नेता थे उनको देखने की जरूरत, वोट डलते थे, लेकिन आज वो गली गली में घूम रहे हैं। ये है उनकी औकात, वो आते थे हमें पता चलती थी मीडिया से पता कि आज पायलट साहब का दौरा है, लोकल अखबारों से पता चलती थी कि आज पायलट साहब जयपुर से टोंक आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। वो 5 साल में कम से कम 15 बार या 10 बार आए होंगे, 25 बार कुल्लम में 25 बार, 5 साल के अंदर 25 बार पायलट साहब यहाँ पे आए। वो भी बनाए हम माला पहन के शाम को रवाना जयपुर, माला भी नहीं पहनते, वो इतनी चिड़े उनसे मालाओं से रुपट्टों से, बस हाथ हिला लेते हैं, बस वो पंजा दिखाते हैं, बस वो पंजा दिखा के रह जाते हैं बस। अब वो तो समाज के इसलिए भीड़ बोलेंगे, वो पीछे खड़े हैं जो, वो गुजर समाज के इसलिए भीड़ बोल रहे हैं वो। अरे कल्लो आपन डरा कोनो सु, आपन नो डरा कोनो कोई सु भी नहीं, गलत मैम गलत। किसकी सरकार बना रही है आप, कब से वीडियो शूट कर रहे हैं? हम आपका वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ तो सरकार किसकी बना रही है राजस्थान में? देखो मैम ये तो हमारा पर्सनल मैटर है, हम ये कह नहीं सकते, तो हम तो एक किसान लोग हैं, मैं किसान फैमिली से हूँ, और जो किसानों को सपोर्ट करेगा हम उसी को कहेंगे। अभी तक तो जो हमको दिख रहा है हमारे एरिया में वो मैं कह नहीं सकती। आपको कहना पड़ेगा कौन जीत रहा है मेरे एरिया से। अब टोंक का तो देख लो, टोंक वाले ही जाने, पर मैं कहाँ से? मैं निवाई पीपलू से हूँ। अभी है तो आप राजस्थान की ना? जी जी मैं राजस्थान की। तो राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? राजस्थान में मैं कैसे बताऊँ कि मुझे तो अब गहलोत जी भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वसुंधरा तो नहीं अच्छी लगती। अगर बीजेपी की सरकार है तो मुझे सीएम दूसरी चाहिए। कैसे, योगी जैसे सीएम चाहिए राजस्थान? यस योगी जैसे, हाँ योगी जैसे सीएम ही चाहिए, बुलडोजर वाला शासन। यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, स्पष्ट। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, वो उनमें कोई ऐसी भावना नहीं है जो आप जो ये फैलाते हैं ना हिंदू मुस्लिम वाली भावना, योगी जी में ये भावना नहीं है। यहाँ पर हमने सुना है, जब से हम आए हैं दिल्ली से, हम आए हैं राजस्थान की महिलाओं से जितना भी हमने बात किया है, उनका कहना है कि महिलाएं यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रही हैं। आप क्या कहेंगी कि वाकई में महिलाओं को लेकर के अपराध बढ़े हैं, अत्याचार बढ़े हैं? नहीं अपराध अत्याचार इतने तो नहीं है जितने अदर स्टेट में, ऐसा तो है कि भाई हुआ है कुछ 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 जगह हुआ है, जहाँ पर आदमियों की कमी थी कुछ था ही नहीं, तो वो बेचारी बच्ची क्या कर सकती है। हाँ पनिशमेंट जो अपराधी जो है उनको तो सजा तो मिली है, सजा तो सरकार ने उनको दी है, लेकिन वो अपराध ऐसी जगह क्रिएट हुए हैं जहाँ पर कोई था ही नहीं, तो वहाँ सुरक्षा कैसे, एक स्त्री अपने आप को कैसे बचा पाती, तो बचाना तो उसका मुश्किल था, लेकिन हाँ अपराधियों को सजा सरकार ने दिलवाई है। सुनाएगी आपको गाने। किसकी सरकार बना रहे हैं आप राजस्थान में? भाजपा की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। जहाँ पे अभी टोंक में गई बार सचिन पायलट जी विधायक थे, तो आपको विगत ज्ञात होगा छुट्टन के नाले वाला जो इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था वीडियो, आज उस दशा में पायलट साहब ने टोंक को छोड़ दिया, अब वापस से परिवर्तन होगा और अजीत सिंह जी मेहता यहाँ से एमएलए बनेंगे और टोंक का विकास पूर्ण बहु उससे होगा, पूर्ण तरीके से होगा। और किसकी सरकार बना रहे हैं राजस्थान में? किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ से। यहाँ से विधायक कौन बन रहा है? अजीत मेहता। अजीत मेहता क्यों? सचिन पायलट 5 साल से यहाँ के विधायक रहे, कुछ काम किया उन्होंने? कुछ काम नहीं किया, यहाँ से घंटा करके लाइटें सही नहीं कराई घड़ी कोई, तो वहाँ पब्लिक का काम कहाँ से कराएंगे? यहाँ घंटा करके जो मेन चौराहा है हमारा घंटा करे, इसकी लाइटें सही नहीं, मशीन सही नहीं करवाई, तो पब्लिक का क्या सही कराएगा? हाँ समय सही नहीं है मैडम, तो अजीत मेहता जी सारे काम सही करा लेंगे, हमारे सारे काम सही करा लेंगे। अजीत मेहता जी को तो जैकेट पकड़ सकते हैं, वो तो बाहर के हैं हमारे, आते हैं हेलीकॉप्टर में उठ के चल जाते हैं, पर यहाँ कोई सुनाई नहीं करता। और अजीत मेहता को तो घर से जाके कुंदी पकड़ जाके तो घर से तो पकड़ लाएंगे उसको, यहाँ लोकल आदमी हमारा, लोकल चाहिए हमको तो। किसकी सरकार राजस्थान में बन रही है?
किसकी सरकार बन रही है? गहलोत साहब की। गहलोत साहब की क्यों? यहाँ पर तमाम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। देखो पायलट साहब ने जो काम कराया है वो इनको दिख नहीं रहे अभी, जब दिखे पांच काम गिराओ। सबसे पहले गहलोत की पुलिया बन गई, देखा आपने? आई आई केंद्र से बजट पास हुआ है उसका केंद्र। अभी 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 कांग्रेस की सरकार में बनी है वो, इससे पहले पांच साल रह चुकी है बीजेपी की सरकार, जब तक तो बनी नहीं थी आज तक। सबसे पहले सीवरेज का काम यहाँ पर हो गया कंप्लीट। ये बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत के पांच काम गिनाओ आप। सचिन पायलट के पूछे मैम। हाँ सचिन पायलट है तो कांग्रेस की ही। तुम मैं बता तो रहा हूँ ना पांच काम। सबसे पहले गहलोत की पुलिया देख लीजिए, दूसरे नंबर पे सीवरेज का काम देख लीजिए। दोनों के अंडर की योजना इनको पता ही नहीं। तो अभी सरकार किसकी है लेटेस्ट टाइम पे? नहीं नहीं अशोक गहलोत नहीं, ये तो पाँच साल पहले भी आ गई थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ के युवाओं के लिए सचिन पायलट ने क्या किया? सचिन पायलट ने बहुत कुछ किया है, कराए यहाँ पर देखो ना, ये क्षेत्र विकास, ये हमारे जो लाइटें लगी है पायलट साहब की। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि चार घड़ियां है, चार टाइम बता रही है। ये घड़ियां तो अंदर की, ये सब चालूती घड़ी है, पहले तो चालूती घड़ी है पायलट साहब की, अभी मशीन डलेगी उसके अंदर। बीजेपी के राज में घंटे बजते थे वो सुनाई भी नहीं आया क्या आपके? ये तो सचिन पायलट तो गया, सचिन पायलट वो नहीं आएगा यहाँ के टोक के वोटों से कुछ नहीं होगा। हम ग्रामीण है, हमारे जो ग्रामीण वोटिंग है वो सबसे ज्यादा मेहता जी की आएगी, और 3 तारीख को आपको मैं वहीं मिलूंगा जहाँ वोटिंग की गिनती होगी वोटों की, वहीं पे मिलूंगा आपको। ये तो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने काम किया है, कुछ भी नहीं किया, क्या कर दिया हमारे गांव में? चलो वार्ड नंबर 3 नगर परिषद से एक एक तो मुमकिन है, जैसे गड्ढे हो रही नहीं है 25। अरे हम 3 तारीख को आएंगे और सरकार में बैठेंगे, जब बताएंगे आपको, आप आ जाना। हम बहुमत से आ रहे हैं क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी। बोलो आप 3 तारीख को आना, मैं मिलूंगा आपको और पायलट साहब के नेतृत्व में काम बताऊंगा। ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट के पायलट को कुछ नहीं है, काम वाम से मतलब ही नहीं है इनको, यहाँ पे टोंक का विकास हो या नहीं हो कुछ मतलब नहीं है इनको टोंक से। बताओ ना, अरे हम कुछ भी नहीं है। आप 3 तारीख आप और नहीं क्या बोलने वाले? दूसरों को बोल गए, हम तो बोल गए, बोल गए जो भी बोलना था। जो आप 3 तारीख को आ जाइए, हम मिलेंगे आपको सरकार के अंदर बैठेंगे, सरकार के अंदर ही बैठेंगे और पायलट साहब को भी जिताएंगे। और इनके दिमाग में ये गलतफहमी है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले 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 जीतना पड़ेगा और वो जीतेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले जीतना पड़ेगा, वो जीतेंगे नहीं तो मुख्यमंत्री कहाँ से बनेंगे? अरे हमें तो, मैंने खुद ने ना पिछली बार सचिन पायलट को वोट दिया था कि राष्ट्रीय नेता है, कुछ करेंगे, बहुत बड़े नेता है, टोंक का संभालेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन इस बार तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा खुद का वोट चेंज हो गया, मैं खुद बीजेपी को दूंगा, पिछली बार मैंने खुद उसको दिया था। 3 तारीख को आप आ जाना सुबह के टाइम में, मिलूंगा और सचिन पायलट की नेतृत्व में सारे काम गिना दूंगा और पायलट साहब ही जीतेंगे यहाँ पर, देख लेना ठीक है। अभी आप जो ये जा रहे हो, जैसे ये जा रहे वैसे पायलट साहब भी जाएंगे यहाँ से, पायलट साहब यहाँ से भाजपा पूर्व बहुमत से आ रही है आराम से कम ज्यादा भी नहीं तो पायलट साहब की रिकॉर्ड को तो तोड़ के अजीत सिंह जी बेहतर जी विधायक बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पायलट इतने वोटों से जीते हैं, 11 बत्ते छुट्टी है, अरे 11 बत्ते पायलट साहब जीत घोषित है और 70-71 लाख वोटों से जीतेंगे, बोल दियो महाराज की जय। अच्छा वो तो मैं भी बोलना, पर पायलट साहब 11:10 पर तो जयपुर रवाना हो जाओ ना, घर जाओगे घर जाएगा घर पे, ये दरपटिया उठाने वाले हैं ना जितने झंडे पकड़ने वाले पैसे में आए हैं सब घर पे जाएंगे और हम जिताएंगे शौक से। कौन पैसों से आया था और कौन पैसों से नहीं आया था, सारी जनता बाहर की आई थी, सारी जनता। हम झंडा उसका पकड़ते हैं जो हमारी सुनता है और हमारी सुनता हमारा स्थानीय नेता है। पायलट साहब ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलाल छोड़े, आज टोंक के अंदर ऐसी हालत है, नगर परिषद के अंदर 100 पट्टे ऐसे बने हैं जिनपे बिचारों गरीबों के पट्टे, फर्जी पट्टे बना के उन बेचारे गरीब प्लाटो मतलब आदमियों पे उन पे कब्जा कर लिया। ये हालत टोंक की है, ये हालत पायलट साहब ने की है यहाँ पे। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो यहाँ पे टोंक का विकास बिल्कुल भी नहीं करो और ये बिल्कुल फर्जी
पट्टे बना के उन पर कब्जा किया जाए। हमें ऐसे नेता बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो अपना स्थानीय हमें अपना स्थानीय नेता चाहिए यहाँ पे। और कुछ पे बारिश के टाइम पे मैम लगभग व्यापारियों का 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ था। उस 3.5 करोड़ के नुकसान के लिए ना तो कभी पायलट साहब ने यहाँ आके देखा, ना किसी से पूछा, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग परेशान रहा है पिछले 5 साल में। चाहे लाइट की बात करो, चाहे रोड की बात करो, चाहे सीवरेज की बात करो, चाहे विकास की बात करो, किस मतलब ये पिछले 5 साल बिल्कुल नील रहा है, कुछ भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई मतलब विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो रहा है ये। और अगर आप एक बड़े नेता की, राष्ट्रीय नेता की हम बात करें, तो टोंक में इतना विकास होना चाहिए था कि शायद टोंक का नाम, आज भी आप जयपुर जाएंगे, जयपुर जाके किसी को बोलेंगे ना साहब कहाँ से आए हो, टोंक से आए, तो वो समझते टोंक रोड से आए, उनको ये भी नहीं पता कि टोंक कहाँ है, जबकि जिला मुख्यालय है ये। तो इस टोंक को कोई भी नहीं जानता। और हमने ये सोचा था पिछले साल, पिछली बार चुनाव में, कि पायलट साहब आएंगे तो कुछ विकास कराएंगे, कि टोंक का नाम भी राजस्थान के नक्शे पे दिखेगा, पर उसको और नीचे डाला है उन्होंने पिछले 5 साल में। खुद की लड़ाई में, अपने मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में, जनता के लिए मतलब कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे काम। पायलट साहब को ये पता नहीं है कि हमें यहाँ पे क्या विकास कराना है, वो कहाँ पैसा खर्च करेंगे, यहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या पानी है, क्या बिजली है, क्या रोड है, उनको खुद को पता नहीं है। जो लोकल आदमी यहाँ रहता ही नहीं है वो कैसे विकास कराएगा यहाँ का। पायलट साहब पिछली बार आ गए, अब की बार नहीं आएंगे, अब की बार उनका पायलट उड़ जाएगा सारा। अजीत मेहता जिंदाबाद। फिलहाल यहाँ पर तमाम लोगों की यही शिकायतें हैं कि सचिन पायलट जो है कहीं ना कहीं एक स्टार नेता है, स्टार विधायक है, और यही मेन वजह है कि वो यहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी जनता से हमने बात की उनका कहीं ना कहीं कहना यही है कि हमें यहाँ पर एक लोकल विधायक चाहिए, ताकि जब भी हमें किसी प्रकार की समस्या हो, परेशानी हो, तो हम डायरेक्ट अपने विधायक से मिल सके, ना कि हमें उनसे मिलने के लिए 10 बार अपॉइंटमेंट लेना पड़े या फिर दूर का कहीं सफर तय करना पड़े। तो यहाँ पर जितने लोगों की राय है उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार है अजीत सिंह मेहता, कहीं ना कहीं उनका पड़ला भारी लग रहा है। और ये जो आप घंटा घर देख रहे हैं, ये यहाँ पर टोंक की पहचान है, लेकिन आज ये घंटा घर भी जो है वो भ्रष्टाचार का शिकार हो चुकी है। घंटा घर में 4 घड़ियां हैं, और आपको हैरान होगी कि 4 घड़ियां आपको 4 अलग अलग समय बताती हुई नजर आएगी। तो ये जो शिकायत है वो लोगों के बीच है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सचिन पायलट जो है दोबारा से विधायक बने ऐसा मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम कोविड टाइम की भी बात करें, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी हो या फिर जो विपक्ष के नेता रहे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जमकर घेरा था, लेकिन यहाँ पर अगर हम टोंक की बात करें, सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो इनका कहना है कि सचिन पायलट जो है वो यहाँ पर कोविड एरा के टाइम पर झांकने तक नहीं आए थे। एक बार भी न्याय मैडम, टोक मांगे टोक का बेटा अजीत